हम लोग लेट हैं थोड़ा सा, हमारी लेट वीडियोज आ रही हैं आजकल तो। लेकिन आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बहुत ही यम्मी सा सैंडविच है, चिकन सब सैंडविच है जो हम फ्रेंच ब्रेड के साथ बनाएंगे। समर में बड़ा अच्छा लगता है, लाइट सा होता है, फ्रेंच ब्रेड बहुत लाइट होती है तो खाया भी जाता है समर के हिसाब से। बोली हल्की फुल्की सी जो है होती है, हैवी यानी हैवी खाना नहीं है, हैवी खाना है, खाया नहीं जाता समर में ज़्यादा। तो ये आप लोग बनाएं और खाएं और बच्चों को खिलाएं। इसको आप लंच भी कर सकते हैं, कोई कोई इवनिंग स्नैक के तौर पे भी आप ले सकते हैं, डिनर के तौर पे भी ले सकते हैं, जैसे भी हो। तो बहुत यानी इतना ज़्यादा काम नहीं है इसमें करने वाला, सिर्फ हमें चिकन बनाना है और बस। ब्रेड जो है वह हमें मिल जाती है बनी बनाई पाए से, तो देखते हैं रेसिपी। क्विक सी रेसिपी है गर्मियों के लिए, स्पेशली जो पाकिस्तान में गर्मी होती है, इतनी देर नहीं किचन में खड़ा हो जाता, काम नहीं किया जाता, बस चिकन को मैरिनेट करके रख दें। जब भी आपको कभी टाइम मिले चलते फिरते करके रख दें, और जब बनाना हुआ फटाफट चिकन कुक किया और सैंडविच बन गया, बच्चों के लिए बना दें, कभी स्नैक के तौर पर बना दें, कभी कोई मेहमान आ गए तो उनके लिए बना दें, कोई लंच बॉक्स के लिए बना दें बच्चों के लिए, तो इतना कोई ज़्यादा उसमें काम नहीं है। कभी चाय के साथ पी लिए, जूस वगैरह दे दिए साथ बच्चों को, शेक्स वगैरह दे दिए, वो मैं आगे आप लोगों को शेक्स भी कुछ सिखाऊंगी मज़ेदार आइसक्रीम शेक्स। तो चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ, किस तरह मैं चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। आप किसी भी तरह कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, तो मैं आपको ज़रा बेसिक सिंपल वाले बता देती हूँ, बाकी आप लोगों का टेस्ट। तो चलते हैं इंग्रीडियंट्स वगैरह। अच्छा ये ब्रेड होती हैं, फ्रेंच ब्रेड कहते हैं इनको, तो ये काफ़ी तरह की मिलती हैं। तो ये मैंने दो टाइप्स की यहाँ पे ली हैं, एक प्लेन ब्रेड है और एक ये इसको क्या कहते हैं टाइगर बैगेट। तो जो भी अवेलेबल हो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़े की ब्रेड होती है, बहुत लाइट होती है, देखने में लग रही है कि बहुत मोटी सी है, हैवी सी है, लेकिन ये बहुत लाइट होती है, लाइट और फ्लफी है, बिल्कुल फ्रेश यूज़ करने वाली होती हैं। आज बनी जैसे तो आज एक दो दिन में बस आप इसको खा लें, वरना क्या होता है कि ये हार्ड हो जाती हैं। अगर आपने इसका एक दफ़ा पैकेट खोल लिया तो बस फिर आप इसको एक दो दिन में यूज़ कर लें, वरना फिर हार्ड हो गए तो फिर ये बिल्कुल इनका कोई यूज़ नहीं रहता। और ये सैलड में मेरे पास मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न रखी है, अनियन काटे हैं, प्याज है, टमाटर हैं, थोड़ा सा खीरा है और लेटस है, आइसबर्ग लेटस है ये वाली। और चिकन के मैरिनेशन के लिए थोड़ा सा बिल्कुल एक टीस्पून मैंने लिया है क्रश्ड रेड चिली है, नमक है एक टीस्पून मेरे पास काली मिर्च और एक टीस्पून ही ऑरिगैनो, बिल्कुल एक टीस्पून लिया है सारा कुछ। और यहाँ पे एक टेबलस्पून भर के अदरक है, और दो मेरे पास लेमन भी नहीं था और विनेगर नहीं था इसलिए मैं दही यूज़ कर रही हूँ। दो टेबलस्पून स्पून ज़रा वो खट्टा हो जाता है, गला ख़राब होता है, तो आजकल ज़रा मौसम भी क्योंकि चेंज हो रहा है तो मैं इसलिए योगर्ट लिए थोड़ी सी लिए दो टेबलस्पून हल्के, और एक टेबलस्पून लहसुन है। ये बोनलेस चिकन है मेरे पास, 1 kg मिक्स्ड है, थाई और ब्रेस्ट दोनों मिक्स करके लिया हुआ है मैंने। तो और ये सोया सॉस है, ये एक टीस्पून के करीब मैं डाल दूँगी बस हल्के से फ्लेवर के लिए। तो सोया सॉस और ऑरिगैनो से ज़रा ये होगा कि बड़ा अच्छा डिफरेंट सा टेस्ट आएगा, थोड़ा इटालियन सा, थोड़ा फ्रेंच सा, क्योंकि देसी टच नहीं मैं दे रही, मैं थोड़ा सा कम बना रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो चिकन को आप अपने हिसाब से भी मैरिनेट कर सकते हैं अपने देसी मसालों के साथ। आपने अगर टिक्का सैंडविच बनाना है तो आप चिकन टिक्का मसाला लगा दें, और या तंदूरी लगा दें, या जो भी जिस तरह का भी फ्लेवर पसंद है आप लोगों को तो वो लगा सकते हैं। बाकी वही तरीका है, सैलड वगैरह वही है, और उसी तरह यहाँ बनाएंगे। बाकी मैं आपको बताती हूँ कि चिकन को किस तरह मैं पकाऊंगी और सैंडविच बारे में किस तरह से बनाऊंगी। मैं चिकन को मैरिनेशन चिकन की शुरू करते हैं, गार्लिक डाल दें, योगर्ट और जिंजर, और ये बाकी सारे हमारे मसाले, और सोया सॉस ज़्यादा नहीं डालनी वरना ऐसे चिकन तो काला काला हो जाता है, बस ये एक टीस्पून डालनी सिर्फ। तो ये देखिए मसाला मैंने अच्छी तरह से लगा दिया, चिकन बहुत अच्छा सा जो है इसे मैरिनेट हो जाएगा। तो अगर आपके पास टाइम है तो बेशक इसको आप एक दिन पहले मैरिनेट करके रख लें, या मतलब 3-4 घंटे इसको लगा रहने दें। तो मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं अब करने लगी हूँ उसको, तो ये हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी अच्छा सा हो जाएगा कुक। तो अब इसको मैं क्लीन करके थोड़ी देर रख देती हूँ, बाकी मैं इतना अपना ब्रेड वगैरह कट कर लेती हूँ और बाकी काम कर लेती हूँ, समेट लेती हूँ चीज़ें, तो इतनी देर थोड़ा सा अपना हो जाएगा मैरिनेट। तो क्योंकि गर्मी बहुत है तो आप इसको फ्रिज में रखें क्लीन करके या ढक के किसी चीज़ से, और फ्रिज में रख सकते हैं ज़ाहिर है यहाँ पे,
तो अब तो हमारे भी यहाँ पे गर्मी होगी, तो मैं इसको क्लीन करके तो फ्रिज में रखने लगी हूँ, और फिर आपको दिखाती हूँ कि कुक किस तरह करना है। तो चले अब मैं कुक करने लगी हूँ अपना चिकन जो मैंने अभी आपके सामने मैरिनेट किया। तो मैं अपने इस कुकर में इस कुकर में कुक करने लगी हूँ जो निंजा का कुकर है। एक दो वीडियोस में मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, तो मेरे कुछ व्यूवर्स पूछ रहे थे इसके बारे में कि इसकी डिटेल बता दें। तो ये बस ऐसे कुकर है, इसमें मल्टी फंक्शन है कुकर है ये। इसमें प्रेशर कुक भी हो जाता है, सारे इसके फंक्शंस यहाँ पे हैं। आप प्रेशर कुक कर सकते हैं, इसमें स्टीम कर सकते हैं, स्लो कुक कर सकते हैं, सियर सौते कर सकते हैं आप, और एयर क्रिस्प कर सकते हैं जो सबसे बेस्ट इसका फंक्शन है, और ग्रिल बेक एंड डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो बस बाकी इसकी डिटेल्ड जो इसका रिव्यू है, डिटेल्ड वीडियो है, वो मैंने हनान ने अपने चैनल पे दी हुई है। उसका लिंक मैंने पहले भी एक दो वीडियोस में अपनी दिया है, तो मैं दोबारा इस वीडियो के नीचे दे दूंगी लिंक, तो वो ज़रूर जाके देखें। तो जिनको नहीं समझ आई तो वो वहाँ से उनको डिटेल सारी समझ आ जाएगी। तो चलिए मैम, अब स्टार्ट करती हूँ। मैं इसमें बेक करूँगी अपना चिकन, मैं बेक करने लगी हूँ। तो अगर आपके पास अपना आपने ये बेक नहीं करना, तो आप इसको सिंपल पैन में बना सकते हैं, ऑयल लगा के थोड़ा सा उसको स्टीम कर लें, जैसे स्टीम कुक करते हैं। तो मैं इसमें पहले ऑयल लगाऊंगी नीचे, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के जितना देखें, और अब इसमें मैं अपना चिकन डाल दूंगी। तो ये देखें मैंने अब इसमें डाल दिया, ऑयल लगा के चिकन डाल दिया अपना सारा। तो अब मैं इसको बेक कर रही हूँ 15-20 मिनट्स, फिर उसके बाद देखते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब इसमें आप कोई भी चीज़ कुक करते हैं ना, तो इसका कोई भी फ्लेवर आप ज़ाया नहीं होता। अगर ये पानी छोड़ दो तो ये अंदर ही ड्राई हो जाता है, और बहुत ही अच्छा सा कुक होता है, बिल्कुल भी फ्लेवर ज़ाया नहीं होता। तो ये इसका बड़ा प्लस पॉइंट है इस कुकर का। वन एटी पे मैं इसको करने लगी हूँ कुक, और टाइम इट्स बस फिनिश हो गया। देखा है बहुत अच्छा कुक हो गया, हल्का हल्का सा ये देखें कलर भी आ गया। तो पानी थोड़ा सा छोड़ा है चिकन ने, ये देख सकते हैं, क्योंकि योगर्ट भी थी। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसको गल गया चिकन, बिल्कुल अच्छी तरह से गल गया देखें, ये देखें तो बहुत अच्छा सॉफ्ट सा गला है इसको। मैंने अब सिर्फ इसका पानी खुश करना है, वो मैं किस तरह करूँगी, ये यहाँ पे सौते का ऑप्शन है, ये देखें सौते का ऑप्शन है, इस पर मैं करके और इसको हाई पे, हाई टेम्परेचर पे इसको मैं सौते करने लगी। तो जिस तरह हम लोग आम पैन में पतीले में बनाते हैं, वही तरीका है, बस आपने ऑयल डाल के, अगर पैन में बना रहे हैं तो ऑयल डाल के उसको सारे चिकन को इकट्ठा ऐसे रख दें ढक्कन दे के हल्की आँच पे, और जब वो कुक हो जाए तो पानी आप इसका इस तरह से खुश कर लें तेज़ आँच करके। तो मैं वही करने लगी हूँ, आप देखें बहुत अच्छा सा कुक हो जाएगा, ये सॉफ्ट भी रहेगा और सख्त भी नहीं होगा ऊपर से। तो ये देख लें व्यूअर्स, चिकन का पानी बिल्कुल खुश हो गया, मैंने इसको सौते कर लिया था, पानी खुश हो गया, जैसे ये भुना भुना सा चिकन होता है ना, अब ये उस तरह का हो गया, ये देखें पानी बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत मज़े का गल गया। मैंने इसको खा के भी देखा, बहुत यमी सा है। तो मैं इसको निकालती हूँ और सैंडविच बनाना शुरू करती हूँ। तो ये देखें मैं ये वाली जो ब्रेड की पूरी लॉफ है, क्योंकि काफ़ी लंबी है, तो मैं इसको काट के इसके मेरे ख्याल है 3 या 4 सैंडविच बन जाएंगे। तो ये आपको जितना भी लंबा चाहिए आप उस हिसाब से काट सकते हैं। वैसे फुट लॉन्ग मिलते हैं बाई से जो हम लोग खाते हैं, लेकिन ये माशाल्लाह फुट से ज़्यादा ही लॉन्ग है, तकरीबन 2 फुट लॉन्ग है। तो इसको मैं काट लूँगी और छोटे छोटे सैंडविचेज बनाऊँगी। तो ये मैं बस ब्रेड नाइफ है, इसे मैं काटती हूँ अभी, और फिर सैंडविच की फिलिंग शुरू करते हैं। ये देखें मैंने इसको टोस्टर पर इस तरह खोल के रख दिया है और टोस्टर ऑन कर दिया है, तो ये अच्छा सा टोस्ट हो जाएगा। अगर आपने टोस्टर पर नहीं करना तो आप तवे पर भी इसको टोस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको टोस्टर के ऊपर इस तरह रखनी है, वरना टोस्टर की वो दूसरी वाली ग्रिल होती है, ये वाली ब्रेड टोस्ट करने के लिए, तो हमारे इस वाले की नहीं है। तो फिलहाल मैं इसको इसी तरह ही टोस्ट कर रही हूँ, पहले इस अंदर से टोस्ट होगा, फिर बाद में बाहर से मैं करूँगी इसको टोस्ट, और फिर इसमें मैं फिलिंग करूँगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ब्रेड मेरी यहाँ पर टोस्ट हो गई है। तो आप कोई भी अपनी मर्ज़ी के सॉस लगा रहे हैं, मेयोनीज है मेरे पास, केचप है, और घर वाली दही वाली चटनी है। तो मैं मेयो और केचप लगाऊंगी इस वाले में। लेटेस्ट
ये मेरे पास जो चिकन मैंने बनाया, और ये मेरे पास चीज़ के स्लाइस हैं, ये मैंने हाफ ऑफ काट लिए हैं, तो ये मैं दो लगा दूँगी। और बाकी की थोड़ी सी सॉस केचप डालूँगी, पहले मैंने डाली है थोड़ी सी केचप। थोड़ा सा बाकी का सैलड, हमारी कॉर्न और कॉम्बर, लेटस, दैट्स इट। तो आप इसको आप ऐसे ओपन भी सर्व कर सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ओपन सर्व करते हैं। ये मैं हल्का सा इसको आपको बंद करके दिखाती हूँ, देखिए बना लिया सैंडविच, बाकी भी मैं इसी तरह ही बनाऊंगी। तो आप अपनी मर्जी से इसमें फिलिंग्स वगैरह कर सकते हैं, अगर केचप या कोई और चीज़ स्किप करनी है या डालनी है तो आप डाल दें, हरी चटनी डालनी है वो डाल लें, कोई से भी अपनी मर्जी से वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। बहुत ही हेल्दी सा बन जाता है ये वाला, और लाइट भी है, फ्राइड बर्गर से बेहतर यही वाले सैंडविचेस हैं। Hey guys, it's Honeybee back with another food review on Zeni's channel, Zeynep's channel. So today Api made these lovely looking, what do you call them, Subway style burritos? Sub sandwich, chicken sub sandwich. You can call them whatever you want. So we're gonna taste this and... जबरदस्त मजा आ गया। ओके जी, तो रेसिपी आप लोगों ने देख लिया है, आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो क्योंकि हमारे घर में तो सबको अच्छी लगती है, हम लोग बहुत बनाते हैं अक्सर ये वाले सैंडविचेस, बाहर से तो कम खाते हैं क्योंकि घर जब बन जाती है इसीलिए, तो फिर बाहर से बनाने की जरूरत होता है, और एक तो हेल्दी है, फटाफट जो है बन जाती है, सैलड है, अंदर वेजिटेबल्स हैं और चिकन है, बच्चे भी खा लेते हैं सबसे। तो आप लोग ग्रुप बना के दें अपने बच्चों को भी, घर वालों को भी, और इन्जॉय करें समर, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। तो कुछ मज़ेदार शेक्स बनाने लगी हूँ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए, तो वो जरूर देखें समर के लिए स्पेशली, क्योंकि विंटर में तो नहीं ज़्यादा शेक्स वगैरह पी जाते हैं। तो कोशिश करूँगी आगे समर वाली आप लोगों से रेसिपी शेयर करूँ, तो स्टे ट्यून्ड, और इस ड्रेस की डिटेल्स भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करेंगे। तो पिक्चर्स वगैरह आप लोगों को डिटेल में वो मेरे इंस्टाग्राम पे देखें, और इंस्टाग्राम पे मुझे अपने फोटो को फॉलो करें, दोनों के इंस्टाग्राम अकाउंट्स के लिंक मैं नीचे दे देती हूँ क्यों अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो प्लीज़ फॉलो करें जाके, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।